नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सविता। पेश है अब तक की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले खबरें कोलकाता से। झारखंड की अभिनेत्री रिया कुमारी की आज हाईवे पर सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात बागनान में महिष रेखा पुल के पास सुबह लगभग 6 बजे हुई है। रिया अपने पति प्रकाश कुमार और 3 साल की पुत्री के साथ कार से कोलकाता जा रही थी। रिया के पति प्रकाश कुमार का कहना है कि उसकी हत्या सड़क लुटेरों ने की है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बंगाल में शुरू हो गई है। बंगाल में इसका नाम पहाड़ से सागर रखा गया है। गंगा सागर में पूजा के साथ अधीर रंजन चौधरी की उपस्थिति में इसकी यहां शुरुआत हुई है। यह यात्रा 23 जनवरी को कर्सियांग दार्जिलिंग में समाप्त होगी। छात्र संसद वोट की मांग को लेकर जेएनयू में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। एसएफआई के बैनर तले यह प्रदर्शन हो रहा है। भनौरा वेस्ट ओसीपी कार्यालय के समक्ष स्थानीय ग्रामीणों के घरों में दरार पड़ने से लोग काफी नाराज हैं। उन्होंने ओसीपी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन बंद ओसीपी परिसर में चोर कोयला चोरी करने के लिए सुरंग बना रहे हैं। सुरंग उनके इलाके तक पहुंच गया है, जिससे उनके घरों का नुकसान पहुंच रहा है। আজকে 7-8 মাস ধরে বন্ধ, কিন্তু বন্ধ থাকার ফলে এখানকার যারা শ্রমিক যারা কাজ করতো তারা সেই 7-8 মাস ধরে বেতন পাচ্ছে না। আবার একদিকে কি হচ্ছে, প্রতিদিন রাত্রেবেলা এখানে কয়লা চুরি হচ্ছে এবং সেই চুরিটা করতে করতে গ্রামের ভেতরে চলে যাচ্ছে কয়লা চোররা, যার ফলে এই যে মানুষগুলোরা রয়েছে তাদের প্রত্যেকের বাড়িগুলো ধসে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে এবং প্রচুর জীবনহানি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমরা বারবার ইসিএল কর্তৃপক্ষকে, আমাদের সিনিয়র নেতা উৎপল দাও চিঠি করেছেন, জানিয়েছেন, কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি। তাই গ্রামবাসীদের যে দাবি যে হয় তাদেরকে রিহ্যাবিলিটেশন করে অন্য জায়গায় তাদেরকে অন্যত্র একটা ব্যবস্থা করা হোক, আর এই ধরনের যে চুরি হচ্ছে সেই চুরি যেহেতু ইসিএল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব জায়গায় হচ্ছে, সেটা যেন ইসিএল এর কর্তৃপক্ষ এটাকে বন্দোবস্ত করে এবং ভতিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। এইটুকুই আমাদের দাবি। আজকের লিয়ে ইতনা হি, বড়ি খবরো কে লিয়ে দেখতে রইয়ে খবর এক্সপ্রেস। নমস্কার।